हाँ, अभी रिसेंटली अपलोड की सोशल मीडिया पे मेयर की बर्थडे और ग्रेजुएशन सेरेमनी की पार्टी। हर पिक्चर एक से बढ़कर एक है रबिया, माशाल्लाह मेहर तो बहुत प्यारी लग रही है। भाई मेरा तो दिल आ गया इस पर। कहीं बात तो नहीं तय की है ना? मैं अपने अशर के लिए मेहर को पसंद कर चुकी हूँ। अरे नहीं, अभी कहाँ, अभी तो ग्रेजुएट हुई है, अपने बाबा के साथ कंपनी में हेल्प कर रही है। बस अब मैं जल्दी पाकिस्तान आऊंगी और शफीक भाई से खुद मेहर का हाथ मांगूंगी। और हाँ, अशर के प्रोफाइल फोल्डर में उसकी पिक्स हैं, तुम जरूर देखना और मेहर की राय भी लेना। ठीक है, मैं शफीक से और मेहर से बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज, मैं फिर कॉल करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे वाह भाई, आज तो अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। जी जनाब, आप ही का जिक्र खैर हो रहा था। लेकिन पहले बताओ, तुम्हारा आज पहला दिन ऑफिस में कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। आपकी खुशी की वजह क्या है? भाई खुशी का राज ये कि एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया तुम्हारे लिए। प्रपोजल किसका? वो मेरी दोस्त मरियम नहीं थी जो कनाडा सेटल हो गई थी, उसने अपने बेटे अशर के लिए तुम्हें पसंद किया। लेकिन उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं है। अरे भाई मेरे सोशल प्रोफाइल पे देखा और कहाँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्या है मेहर, कब तक तैमूर की याद दिल से लगा के बैठे? क्या हो गया आपको मामा? आप क्यों तैमूर का जिक्र करती रहती हैं बार बार? मुझे नफरत है तैमूर से। मैं बस आपको और बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। अरे बेटा, शादियां तो बादशाहों की बेटियों की भी करनी पड़ती हैं। बस तुम और फारिस को देख के ख्याल आता है कि काश तैमूर की जगह तुम्हारा और फारिस का रिश्ता हो जाता। हर वक्त उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हैं। फारिस सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और अगर आप इस तरह की बातें सोचेंगी ना तो कासिम पापा की वाकई हर बात सच हो जाएगी। अच्छा अच्छा, लीव इट, नहीं करती बिल्कुल। मुझे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा और कोई चीज अजीज नहीं है। लेकिन अशर के प्रपोजल पे कंसीडर तो करोगी ना? अभी नहीं, अभी तो मेरा एतबार टूटा है। मोहब्बत के नाम पे इतना बड़ा धोखा खाया मैंने। मैं कोई नया रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। ठीक है बेटा, टेक योर टाइम।